नहीं कोई मुझसा कसाई, गाय का गोश्त बगैर चर्बी का ले लो, गाय का गोश्त फेफड़े ले लो, कलेजी ले लो, पोटे ले लो। असली बाल हैं जी, अभी तक तो असली ही है। मुंह से हटाएं। मुंह से हटा? हाँ जी। फैन तो फैन ऑफ नहीं किया आपने? आपको नहीं तो फैन का बटन कहाँ है? इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? गुंगी एक्टर ले आए हो? ये वैसी नेचुरल शाइन है फराज भाई की। ठीक है, कुछ पियेंगे? ड्रिंक शेक? तू इंटरव्यू ले ले बस, फिर ड्रामेबाजी खत्म कर। मेरा कैरेक्टर है एक न्यूज़कास्टर का। कोई न्यूज़ सुना दे जल्दी से, न्यूज़कास्टर की तरह। कौन सी न्यूज़ सुनाऊं मैं आपको? आप ये बोलें कि पाकिस्तान पे IMF का जो कर्जा है वो खत्म हो चुका है और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन चुका है। एक्शन। ये तो झूठ हो जाएगा ना फिर। जोर से बोल दो। खामोशी। खामोशी। लड़की हो आप? हाँ, आवाज निकल जाती कभी कभी अंदर से। टॉम बॉय हैं? नहीं, मैं प्रॉपर लड़की हूँ, बट आदमी वाली आवाज रखी हुई है, कभी कभी काम आ जाती है। जैसे? जैसे ऐसे बोलूंगी खामोशी। बैकअप की आवाज बहुत अच्छी लगाती हूँ। लगाएं। बैकअप। अब किस इसी आवाज में आप सब्जी बेचो? आलू है, प्याज है, गोभी है, भिंडी है, तोरी है। अरे यार, जब तक गीत नहीं लगाओगे बस। तो शर्ट के कॉलर सेट करो। खड़े कर दो, चौड़ा बंदा है। खड़े कर दो। हाँ, दे, इनको दे दे, इनको दे दे। कॉलर खड़े कर। अबे क्या कर, क्या बना रहा है तू? नहीं, नहीं, फोकस कर रहा, फोकस कर। बस सही है, छोड़ो, चलती रही। ठीक है, आज की ताज़ा खबर, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर गया है, पाकिस्तान नंबर वन मुल्क बन गया है। आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आते, क्या करें? इंग्लिश इंटरव्यू ले लेते हैं। बिल्कुल मुनासिब है। ऊपर से आ रही, इंग्लिश में ले लेते हैं। नहीं नहीं, हम उर्दू में आएंगे। अब नहीं, इंग्लिश होगा। कौन सी? सलूस। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैरेक्टर? आई डोंट नो। मंजे? हां, मंजे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैरेक्टर? मंजे। मंजे इंग्लिश में आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। बर्गर बन रहे हैं, बर्गर। हां, मंजे मींस होता है मतलब। मंजे ही बनाती हैं सर? ना करें, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं वैसे ही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पीछे से आती है नज़र, शक्ल नहीं आ रही होती। शुक्र करें, पीछे से आवाज़ आ रही है। हाँ, ये बात है। थिएटर और स्क्रीन में ये फ़र्क है, थिएटर इज़ वन गो, वहाँ कट टेक ये नहीं होता है, एक ही गो में सब देना होता है। लेकिन बरक्स इसके कि आप स्क्रीन पर बात करें तो वो इमोशन वगैरह कहीं ना कहीं कट हो जाता है। ठीक है, और पैसों के हिसाब से ऑब्वियसली थिएटर में कम है पैसे, स्क्रीन पर ज़्यादा। अगर आपको TV पर 100 रुपये मिलते हैं, थिएटर में कितने पैसे मिलते हैं? तो फिर थिएटर में आपको 20 रुपये मिलेंगे। मजा किस पे आता है? थिएटर। तो वहीं जाएं, इधर क्यों आई हुई है? पैसों के लिए? हाँ, पैसों के लिए आई हूँ। लालची औरत? हाँ, मैं लालची हूँ। डायरेक्टर की एज है 23 और 24। ठीक है, और आपका जो लव इंटरेस्ट है वो कौन प्ले कर रहा है? अफराज रसूल। उनकी क्या एज है? उनकी एज मुझे नहीं पता, बट करेक्टर की एज 40 है। 40 - 23, 17 ईयर्स का गैप है। आर यू कम्फर्टेबल? यस आई एम। असल लाइफ में भी? I don't think so. क्यों? क्योंकि शायद, पता नहीं, शायद मुश्किल हो ये। हाँ? I don't know. मैंने सोचा नहीं इस बारे में। सोचें, टाइम है। ओके। बताएं। सोचूंगी इसके बाद। नहीं नहीं, टाइम है ना, अभी कहीं जाना है? नहीं। हाँ तो बताएं, सोचें, बैठे हैं, सोचो सोचो। नहीं, इतना गैप नहीं। कितना गैप होना चाहिए? 3-4 साल, 5 साल। आपसे छोटा हो तभी चलेगा? नहीं, अम्मा को जो पसंद आ जाए वो चलेगा। अम्मा को 40 साल वाला पसंद आ जाए फिर चलेगा? हाँ, अम्मा की पसंद है तो चलेगा। अभी तो बोला था नहीं चलेगा। आई डोंट थिंक सो। कंफ्यूज क्यों है इतनी? अपने डिसीजंस खुद क्यों नहीं लेती? बिकॉज मम्मा है लेने के लिए, इसलिए। ड्रामा का नाम है मेरा सरदार। आपका सरदार? बिल्कुल, सरदार मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें। अच्छा, एक्चुअली जो मेरे फादर हैं वो सरदार हैं, मैं उनका बेटा हूँ। असल में? नहीं नहीं, ड्रामे में। हम ड्रामे के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं ना। जी जी जी। आपके ड्रामे में नाम क्या है? रेहान सरदार।
रेहान सरदार, और आप सरदार हैं। बेहतरीन। एक्टिंग में कैसे आए? एक्टिंग में ऐसे आया कि जब मुझे लगा कि भाई ज़िंदगी में इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता, तो मैंने कहा यही कर लो। नहीं तो सरदारी निज़ाम अच्छा नहीं आपके लिए, तो आपने एक्टिंग में मूव कर गए। ये सरदारी निज़ाम प्ले के लिए है ना, असल ज़िंदगी में तो भाई एक्टर है। अच्छा, आप किसका पूछ रहे थे? मैं समझा कि आप सरदार हैं तो फिर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सरदार होता मैं एक्टिंग होता, मैं तो प्रोड्यूसर होता, आपको एक्टर बनाता मैं। अच्छा ठीक है, चलें जी आप स्टार्ट हो जाएं, बताएं। और न्यूज़ पढ़ते हुए बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। न्यूज़ पढ़ते हुए मैं क्या बताऊं आपको? अपने कैरेक्टर क्या क्या करता है, कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे करता है कि एक्टर। ठीक है, एक्शन। तो एक एक्टर अपनी जो कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करता है, सबसे पहले वो एक पॉइंटर्स बनाता है अपने लिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्शन। अच्छा, एक एक्टर जो बिल्कुल तैयारी के साथ आता है, सबसे पहले वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करता है, उसके डिक्शन पे काम करता है, उसकी डायलॉग डिलीवरी पे काम करता है, किस तरह वो बैठेगा, किस तरह वो बात करेगा, किस तरह वो देखेगा, किस तरह वो सारी चीजें करेगा। खत्म होगी ब्रेकिंग न्यूज़। जी खत्म हो गई। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ड्रामा। थैंक यू, थैंक यू। कट कट कट।